गाइज, अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और फोन पे एप्लीकेशन द्वारा किसी व्यक्ति को पैसा सेंड करते हैं यानी किसी अदर पर्सन को पैसे सेंड करते हैं, भी पेंडिंग प्रोसेस आ जाता है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाते हैं, दूसरे के पास पैसा पहुंचते नहीं और आपके अकाउंट से कट जाते हैं। कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, अदर पर्सन के पास पैसा नहीं पहुँचता है। यानी आप अपने अकाउंट में पैसे को किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं, यानी किस तरह से अपील करना है और किस तरह से जल्दी से अकाउंट में पैसे को वापस लाना है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। तो आप आसानी से कुछ घंटे के अंदर पैसे को किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं और किस तरह से अपील कर सकते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से आपको शो करता है, इस तरह से अगर आपको शो करता है पेंडिंग और यहाँ लिखा रहता है कि आपको 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, फिर भी आपका अकाउंट में रिटर्न पैसा नहीं होता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने जो पेमेंट पेंडिंग है वो शो हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ से दोस्तों यहाँ नीचे की ओर एक हिस्ट्री लिखा रहता है, हिस्ट्री में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये नीचे की ओर हिस्ट्री लिखा रहता है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए, मेरा बहुत सारा पेमेंट फेल हो गया है, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, अकाउंट से पैसा कट गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को पैसा, जिस दोस्त को पैसा भेज रहे थे उसके अकाउंट में भी नहीं जा रहा है। दोस्तों, कभी कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, सर्वर डाउन की वजह से होता है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा हमको सर्च कर लेना है कि मेरा पैसा यहाँ शो कर रहा है। दोस्त देखिए, 1300 रुपया मेरा पेंडिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहीं क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 48 घंटे के बाद फोन पे की कंपनी मैसेज करती है कि 48 घंटे के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ सबसे नीचे शो करेगा। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, सिंपली यहाँ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट। सिंपली दोस्तों यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने फोन पे के हेल्पलाइन नंबर सपोर्ट नंबर से चैट किए हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आ रहा है दोस्तों। तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है, बैंक ने अभी तक आपके 1300 रुपये के पेंडिंग पेमेंट के संबंध में कोई अपडेट शेयर नहीं किया है। कृपया चिंता ना करें, हम बैंक के साथ सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं और जैसे ही हमें उनकी जानकारी मिलेगी हम एक अपडेट शेयर करेंगे। क्या आपको कोई और मदद चाहिए? तो दोस्तों यहां लिखा हुआ है, मेरे खाते से पैसा डेबिट हो गया है। दोस्तों इस वाला में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हेल्पलाइन से मैसेज आता है, हम आपकी चिंता समझते हैं, निश्चय रहे आपके पैसा बैंक के पास सुरक्षित है। हम इस पेंडिंग पेमेंट के बारे में बैंक के साथ सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहे हैं और हम आपके साथ पहले से ही शेयर की गई तारीख के अनुसार एक अपडेट शेयर करेंगे। क्या आपको कोई और मदद चाहिए? तो जल्दी पैसा अपने अकाउंट में रिफंड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ दिखाई देगा व्यू टिकट। सिंपली व्यू टिकट में आपको क्लिक कर देना है। इससे पहले दोस्तों आपको फोन पे में यहाँ आ जाना है। यहाँ जहाँ आपका पैसा, जितना भी रुपया आपका फेल हो चुका है, पेंडिंग हो चुका है, उसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद दोस्तों वहीं आ जाना है। वहीं आने के बाद यहाँ व्यू टिकट दिखाई देगा। सिंपली दोस्तों यहाँ व्यू टिकट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस नया शो हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ
इस वाला टिकट आईडी, यहाँ जो है इशू विद द पेमेंट टिकट आईडी, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नीचे की ओर शो करेगा रिप्ले, सिंपली रिप्ले में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने के नया इंटरफेस हो जाता है, यहाँ अटैच फाइल, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आपने ली है, स्क्रीनशॉट को आपको ऊपर ओके कर देते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों देखिए फिंगर मांग रहा है, लेना है यानी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ आपको देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ देखिए जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो यहाँ अटैच हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ रिप्ले में आपको और एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, पैसा बैंक में कट जाता है और सामने वाला व्यक्ति के पास पैसा नहीं जाता है या पेंडिंग हो जाता है, यानी पैसा कटने के बाद अगर आप तुरंत पैसा को रिफंड करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।